नहीं चाहती कि मेरी गोरी चिट्टी बहन मेरे शेले काम कर कर मैली हो जाए। ओए होए होए होए। और मैं नहीं चाहती कि मेरी नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी ये बड़े बड़े काम करके थक जाए। मैं चाहती हूँ कि तू बस पढ़े। अब बस कर दें, शुगर हो जाएगी। खुदा का वास्ता अम्मी, आज तो ये बातें छोड़ दें। नहीं बेटा, कहने दो कहने दो। मेरी तो सारी उम्र गुजर गई इनकी यही बातें सुनते हुए। अब तो शुगर भी यही कहती है कि इनकी जिद में नहीं होंगी। देखो बेटा, बिल्कुल तुम पे गई है। अच्छा, 2 घंटे में आपको पता भी लग गया। हा? हाँ, तुम तो जलस हो गए मेरे पे जो गई है। वकील साहबा, हो गई आपकी दलीलें शुरू। अच्छा भाई, ये लो, पहले मुंह मीठा करो और जल्दी से केस हार जाओ। और हाँ, कान में अजान दो। हाँ, बिस्मिल्लाह। मैं तो और कौन, मैं दूंगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आरफा और भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। मुझे तो, अरे माशाल्लाह। अरे वो भाई साहब नहीं आए? भाई साहब, आपको तो पता है उनका और उनकी रिवायतों का, कहते हैं कि बेटियों के पास हॉस्पिटल में नहीं जाते। वैसे कमाल है तुम्हारे शौहर नामदार भी भाई। ये गौहर नायाब आप ही ने चुना था मेरे लिए, मैंने कौन सा खुद पसंद किया था। वैसे कमाल है, आप लोग इतने बड़े हो गए अभी तक आप लोग कोई भी मौका नहीं छोड़ते लड़ाई करने। तुम नहीं समझोगे इन बातों को क्योंकि तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं। बहन भाई के रिश्ते में हुस्न होता है, मान होता है इसमें। अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट, ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो, ये लो। शाबाश, वाह वाह। अरे हाँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है। माँ को तो भाई हमने, अरे अरे भाई साहब इसे मत खिलाएं।
यू वेरी 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 मच। इसका हम बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत संभाल के रखेंगे इसे। वो तो रखेंगे, अभी नाम रख लें। अगर सोच लिया तो बता दो। नूर। अच्छा, नूर। तुम दो दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? अरे कमाल है, एक तो एन वक्त पे खुद टर्की चला गया, अब शिकवा भी मुझसे। हाँ कम ऑन यार, तुम जानते तो हो बिजनेस मीटिंग्स, और पापा तो है नहीं वरना वही देखते ना। हाँ हाँ आई नो, क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सुन, आजा, अब मामू बन गया तू। ओ हेलो, मामू आऊ नहीं बोलो मुझे, सच अ सिली वर्ड मामू। मैं अरबाज तक ही ठीक हूँ। अकेला रहा है ना सारी जिंदगी, इसलिए रिश्तों की खूबसूरती को नहीं जानता। जो बात और ताकत इस रिश्ते में है ना, वो नाम में नहीं है। अच्छा चल आजा, नूर तुझे चाचू कहेगी। अभी तो कहा अरबाज तक ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, I'll talk to you later। अम्मा मैं बता रही हूँ, अगर इस बार भी ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर झगड़ा करके आई है? मैं नहीं करती, वो मारता है मुझे। मेरी बच्ची की तो किस्मत ही फूट गई, कितनी मर्तबा इसको घर पे बैठाऊं, पिछली बार भी नहीं चली और अब की बार भी नहीं। अम्मा इसकी जबान बहुत चलती है। देख लिया अम्मा, सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया इसने। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, प्यार करता हूं तुझसे, भाई हूं तेरा, तेरी सारी बातों का पता है मुझे। आप बताओ, कोई मर्द सुनेगा औरत की इतनी गालम गलोच? तो उसकी माँ जो करती है वो किसी को नजर नहीं आता। सारा सारा दिन बैठ के मैं घर का काम करती हूँ नौकरानियों की तरह अम्मा, और फिर हर काम में कीड़े निकालती है वो औरत, और जब उसका बेटा घर आता है तो मेरी ही बातें बता के मुझे मार पड़वाती है। अच्छा चुप कर जाओ तुम दोनों, मैं देख लूंगी, तू अपने काम पे जा। अरे नाश्ता तो दे दे। दे रही हूँ। अच्छा सुन, तेरे लिए मैंने लड़की देख ली है। जब तुझे पता है मुझे किससे शादी करनी है तो रोज सुबह सुबह ये बात करके मेरा मूड जरूर खराब करना है। नहीं पसंद वो लड़की मुझे, तेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है, कहां तू कहां वो। और देख शहजाद, मैं बता रही हूं, ये पढ़ी लिखी लड़कियां घर नहीं बसाती हैं। अम्मा मैंने देख भी लिया और फैसला भी कर लिया, तू भी फैसला कर ले। मैं तुझे बता रही हूं, उसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। देख लिया अम्मा, वाह भाई पागल हो क्या? बेटा तुम ये पियो, मैं देख कर आती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अरे बेटा ये क्या पागलपन है? अरे मैं नहीं पागल हूंगा तो और कौन होगा? हेलो। हाय। थैंक यू। यू वेरी वेलकम, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। लाओ मेरी गुड़िया को मुझे दो। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह शी इज सो स्मॉल। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी मुस्कुराती रहा करो यार, अच्छी लगती हो। कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, कैंटीन में फारिग बैठना, तमाशे करना अजीबोगरीब। अरबाज अब तुम भी शादी कर लो। देखा मामा, जब भी मैं से शादी के बारे में बात करती हूँ किसी सोच में गुम हो जाता है। कोई है बेटा तो बताओ, हम रिश्ता लेके जाते हैं। अरे नहीं मामा, अभी कोई भी नहीं है, अभी शादी नहीं करनी मुझे, अपना सुकून प्यारा है। Thank you.
अरे चल, मैं कुछ नहीं किया प्लीज। अरे चल, मुझे एक बार बात करवा, मुझे एक बार बात करवा दे। सब शरीफ आते हैं यहाँ पे। कुछ नहीं किया। हाँ अभी सुनते हैं, अभी सुनते हैं बात। कुछ नहीं किया। हाँ अभी सुनते हैं, अभी सुनते हैं। कुछ नहीं किया। हाँ बात। एक दफा मिलने दे उनसे, एक दफा बात करने दे। चलो नहीं किया, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। क्या शोर मचा रखा है, क्या शोर मचा रखा है यहाँ? यहाँ आ गई हो तो आदत डालो, यही रहना होगा तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी आता है वो यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ये वक्त है ना, वक्त सब कुछ मनवा लेता है, सब कुछ मनवा लेता है कि जो कुछ भी किया तुमने किया है। और मत चीखो, क्योंकि यहाँ की दीवारों के कान नहीं होते, जितना चीखोगी तुम्हें को तकलीफ होगी, समझी? पर मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? बेकसूर हो तुम? फिर भी तुम्हें यही रहना होगा। बेकसूर। मेरे तो काबू में ही नहीं आ रही थी, ये तो तुमने कर लिया। हाथ की मार से ज्यादा होती है जुबान की तलवार, समझी? अरे इस जेल को तो तुमने अपना घर कर लिया। जब बाहर कोई अपना है ही नहीं तो सोचा यहीं के लोगों को अपना बना लूं। वैसे तो जिंदगी खत्म करना गुनाह है, वरना तो सोचा कि कुछ अच्छा ही करके काट लूं ये दिन, शायद मेरे गुनाह ही धुल जाए। अरे ये गुनाह ही तो धुल रहे हैं, जो सजा में कुछ कमी होती। बस कुछ ही दिन रह गए यहाँ से जाने में। काश यहाँ से जाने से पहले मैं ही खत्म हो जाऊं। शहजाद तुम्हारी अम्मा कब आएंगी? शहला, अम्मी को मनाने में बहुत मसला हो रहा है। लेकिन वो लोग अम्मी से तारीख मांग रहे हैं, मैं क्या करूं अब?
फिर यहां यू अकेले। अकेले ही तो रह गया हूं मैं। बारिश से मिले थे। बड़ी अम्मा अभी मुझे किसी चीज के ऊपर बात नहीं करनी। आज गई थी? हाँ। बताया? वही जो हमेशा कहा जाता है। मतलब अभी भी नहीं मानना? मैं थक गई हूं बिलाल, मेरे दिल पे एक बोझ सा है। मुझे डर लगता है। देखो, हम जो कर सकते थे हमने किया। अगर कोई नहीं मान रहा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आपको तो पता है ना मुझे किस बात का डर है। आ रही हूं। शहजाद, ये यहां पे क्या कर रही है? हाँ, मेरी बात का जवाब दो। शादी कर ली हम लोगों ने। क्या? हाय शहजाद, तूने ये क्या किया? अपनी माँ को ही गैर कर दिया तूने। शर्म नहीं आई तुझे? बेहया बेगैरत, ऐसे कैसे मेरे भाई का। भाभी है तुम्हारी, ये इस घर की बहू है अम्मा, इसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। मैंने फैसला कर लिया है, अब तू भी कर ले। रोज की किलकिलिया, घर छोड़कर चला जाऊं मैं। अम्मा, तो भाई से कुछ मत कहना। अगर भाई का दिमाग खराब हो गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ खामोशी की मार मारूंगी इसको। ऐसी मार मारूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगी वो, अपनी पूरी जिंदगी। शैला, हाँ सो जा। क्या देखे जा रही है तू आज उसे? सोच रही हूँ सुबह कितना शोर मचा रही थी ये, और अब कैसे सुकून से सो रही है। शैला, मुझे तो लगता है कभी कभी तू मुजरिम नहीं, कोई फिलोसोफर है। वक्त की सजा इतनी काटी है कि पागल है तू। हाँ, जिसका कोई नहीं होता उसे पागल ही कहा जाता है। रात बहुत हो गई है, सो जा। हाय, क्या हो रहा है? पेंटिंग। अच्छा, एक बात बताओ, पहले लॉयर, फिर स्कूल टीचर और अब पेंटर, करना क्या चाहती हो जिंदगी में? जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगी। अच्छा, क्या है ये? चाय का कप? ये मछली है और ये चाय का कप नहीं है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बारिश, एक बात बोलूं? बुरा तो नहीं मनाओगे? मनाऊंगा।
पारस। बता। यार मुझे अच्छा नहीं लगता जब अरबाज ऐसे बात बात पर मेरा हाथ पकड़ लेता है या कमर में हाथ डाल लेता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। अरबाज। हाँ। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है मेरी तबीयत, और ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात को गलत मत समझना, मेरा भी वो दोस्त है, लेकिन बस मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो बात बात मेरा हाथ पकड़ लेता है। पता नहीं, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। अच्छा मैं बात करूंगा उससे। नहीं उससे बात नहीं करनी है, वो तुम्हारा भी दोस्त है, कुछ खराब हो जाएगा। पागल पागल तो नहीं हो? अभी कह रही हो अनकंफर्टेबल होती हो, अब कह रही हो बात भी नहीं करनी, तो क्या करूं? तो मैं तुमसे शेयर कर रही हूं ना, तुम्हें तो बता सकती हूं ना। तुम्हें पता है आलिन, जब मैं अपने इर्द गिर्द दुनिया के कच्चे पक्के रिश्ते देखता हूं ना, तो मुझे हमारा घर, हमारे रिश्ते और प्यारे लगने लग पड़ते हैं। और तुम्हारा हस्बैंड तो माशाल्लाह। अच्छा। और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बीवी। और दोस्त भी अच्छा है हमारा, सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ तो फिर ऐसी फजूल बातें सोचकर अपने दिमाग पर जोर मत डाला करो। क्या बनाया क्या है, मैं भी करूं कुछ? नहीं खराब हो जाएगा प्लीज। नहीं नहीं ना, एक छोटा डड्डू। नहीं कोई डड्डू नहीं बनेगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझसे छुपा कर क्या मिलेगा? मेरी माँ ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, और यहां तुम्हारी अम्मा। शहजाद मैंने सुना है जो लोग माँ का दिल दुखाते हैं वो कभी खुश नहीं रहते जिंदगी में। आज पहली रात तो ऐसी बातें मत करो। मैं अपनी माँ को जानता हूं, बाहर से सख्त है मगर अंदर से नरम है, मान जाएंगी। जहां तक तुम्हारी अम्मा का ताल्लुक है, मैं उन्हें मनाऊंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। हाँ लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एतबार नहीं है मुझ पे? एतबार है, तभी तो हाथ थामा है पूरी जिंदगी के लिए। मुझसे वादा करो शहजाद, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। वादा? शहजाद आखिरी सांस तक तुम्हारा है। फिर बीपी हाई कर लिया ना? अरे होता रहता है ऊपर नीचे, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ, रोई हो? क्यों? थक गई हूं बिलाल, बारिश अजीब अजीब से सवाल करता है। आरिफा क्या हो गया है, क्यों तुमने इस बात को अपने सर पर सवार कर लिया है? सर पे सवार नहीं कर रही, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। एक ही डर है जो मेरा पीछा करता चला जा रहा है, अगर उसे पता चल गया तो। देखो
ना ऐसी बातें सोचा करो ना किया करो। अरे पारिस बेटा आओ बैठो, तुम कहीं जा रहे हो? जा रहे थे बाबा, लेकिन लगता बात करनी होगी। बताइए क्या बात है। मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं कि कोई बात है जो आप मामा बताए ना। बाबा खुदा का वास्ता अम्मा बताए। क्या बताऊं, बोले ना क्या बताऊं। आरिफ अब जो सच है वो बता दो। मैं कुछ नहीं जानती मामा, खुदा का वास्ता बाबा आप बताएं प्लीज। बारिश तुम हमारे बेटे हो, लेकिन सगे नहीं। बेटा हमने तुम्हें गोद लिया था, हमारी और औलाद नहीं थी ना, इसलिए मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, बस एक छोटा सा सच छुपाया था तुमसे। बारिश बारिश बेटा आप रोके ना उसे, मेरे बच्चे को रोके आप। बारिश मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसे खामोश हो जाने से या मुंह छुपा लेने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। सच नहीं बदल सकता, तुम्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जाते हुए दरवाजा प्लीज बंद कर देना। Thank you.
इतने खूबसूरत माहौल में कोई इतना उदास कैसे हो सकता है? इतने खूबसूरत माहौल में ऐसी बात ही क्यों की? इधर देखो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। कुछ ही दिनों की बात, मैं दुबई जाऊंगा और तुम्हारे वहां आने का करूंगा। और अगर नहीं कर सके तो? जिस कंपनी ने टैक्सी की नौकरी दी है उन्होंने लिख कर दिया है कि एक महीने बाद बीवी का वीजा भी देंगे। पक्का वादा? आज तक कोई वादा तोड़ा है? गोलगप्पे खाओगी? हाँ यार, गोलगप्पे वाले एक प्लेट देना। आइलिन, ये आरफा कहाँ है? घर में नहीं है क्या? नजर ही नहीं आ रही। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो दवाई खा के लेटी हैं थोड़ी देर, मैंने उठाया नहीं उन्हें। तुम भी मुझे परेशान नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? इधर देखो मेरी तरफ, क्या बात है मुझे बताओ, सब ठीक है ना? शायद कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन आप खुदा के लिए अबू जी को कुछ मत बताइएगा। या अल्लाह, खैर ऐसा क्या हो गया कि मैं अबू जी को कुछ ना बताऊं? बताओ ना मुझे हुआ क्या है। एक पहाड़ टूट पड़ा है रात को, तूफान आया अजीब सा। अम्मी बारिश। या अल्लाह, खैर क्या हुआ बारिश को? बारिश माँ बाबा का बेटा नहीं है। क्या? लेकिन आपको तो ये बात पता होगी ना। अरे नहीं, मुझे नहीं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबा की ऐसी बात आपको ना पता हो? यकीन करो मेरा, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। कमाल हो गया, इतना बड़ा राज और मुझे मालूम नहीं। अम्मी अब खुदा के लिए अबू से ये कोई बात मत कीजिएगा। अच्छा नहीं बताऊंगी उन्हें मैं। बारिश कहाँ है, उससे तो बात करो। उससे मैं क्या बात करूँ अभी? अभी तो मुझे उसका हौसला बनना है, मैं उससे क्या बात करूँ? आप प्लीज अबू जी से कोई बात मत कीजिएगा, बस आप दुआ करें कि सब ठीक हो जाए। प्लीज किसी से कुछ बात मत कीजिएगा। या मेरे अल्लाह, इतनी बड़ी बात और मुझे पता नहीं। प्लीज। अच्छा तुम हौसला करो। मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? खुद ही एक सवाल बन गया, तुमसे क्या बोलूं? हर सवाल का जवाब मिल जाता है बारिस। किससे पूछूं? मामा से, पापा से? तो और किससे पूछोगे बारिस? तुम आज भी मेरे लिए वही हो जो ये सब पता चलने से पहले थे।